इंजीनियर वगैरह थे। और आज मैं फिर से आपके लिए एक बिज़नेस लेके आ रहा हूँ। आज टॉपिक नहीं, आज प्रॉपर बिज़नेस है। और हमारे साथ है सैयद हसनैन शाह साहब, और हम उनके एक वाटर प्लांट पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हमारे लिए फ़िल्टर किया जाता है पानी का, क्योंकि लाहौर का पानी तो इस वक्त पीने के काबिल है कोई नहीं ज़मीन का। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ने जन्म ले लिया, और उस वो इंडस्ट्री क्या है, आपकी फ़िल्ट्रेशन प्लांट की इंडस्ट्री। ये सेटअप कैसे लगता है, कितने में लगता है और कहाँ लगाया जा सकता है, आज ये हम सारा कुछ जानेंगे इनसे। तो सैयद साहब जी, ये किस तरह मोटिवेशन आई पहले ये बताएं हमें, इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद अपनी जॉब से रिटायर होके ये मोटिवेशन आना बिजनेस का, वरना कि हालांकि लोग डर जाते हैं कि बिजनेस नहीं करना, आगे बच्चे तैयार करने जॉब्स के लिए, ये तो ये मोटिवेशन कैसे थी? बस कुछ मेरे कोलीग्स दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया, और कुछ मेरी फैमिली ने मोटिवेट किया कि जी चल आप अपना कोई काम करें। पहले शुरू में मैंने जॉब ही था कि चलो कुछ जॉब शुरू कर देता हूँ, लेकिन फिर फैमिली मोटिवेशन थी, फिर मैंने कहा चलिए एक स्टेप लेते हैं। फिर मैंने सारा देखा कि क्या काम किया जाए जो थोड़े सरमाए से शुरू हो और जो मैं कर भी सकूं। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि जी एक आर ओ यूनिट लगाते हैं। मैंने मुख्तलिफ आर ओ यूनिट्स विज़िट किए, देखा उनको, सारा स्टडी किया, और फाइनली फिर मैंने लोकेशन सर्च करनी शुरू की कि किस। अच्छा, ये मुझे आपका आइडिया बहुत स्मार्ट लगा, जिस तरह आपने ये एक प्लाजे की बेसमेंट है ये, जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, एक मतलब कभी सोचा नहीं था इस तरह कि किसी प्लाजे की बेसमेंट में हम पूरा का पूरा आरओ प्लांट देखेंगे। तो ये एक बड़ा स्मार्ट तरीके से जिस तरह इन्होंने प्लेस अपनी बनाई है, और ये आरओ यूनिट जिस तरह इन्होंने प्लेस किया, हम आगे आपको दिखाते भी हैं कुछ। ये आ रहा है जी सोर्स जो है, रॉ वाटर जो आ रहा है ट्यूबवेल से जो आ रहा है पानी, वो इस रेजरवायर में आ जाता है। इसको हम इस ये जो है ना अभी फिल्टर्स यानी कि विदाउट एनी प्रोसेस के जो है ना जो पानी है वो है। ठीक है, यहाँ से ये फीड पंप है हमारा, बिल्कुल सही, जो रॉ वाटर टैंक से उठाता है और फिल्टर्स में चला जाता है। ये पहला जो है इसको मल्टीमीडिया फिल्टर्स है, इसमें मुख्तलिफ साइज के ग्रेवल्स होते हैं। हमने बचपन में कभी पढ़ा था पानी निथारने का तरीका, ये कोई तो उसमें से होने के बाद फिर आगे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है उसमें से गुजरता है, यहाँ से गुजरने के बाद फिर पानी आ जाता है ये इसके अंदर जो दूसरे दो फिल्टर्स हैं 5 माइक्रोन के, ये ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से निकल के फिर ये आरओ में चला जाता है, इसका वो फीड पंप है पीछे। ठीक हो गया, फीड पंप से वो अंडर प्रेशर वो उसमें से आरओ से गुजरेगा। ठीक है, ये आरओ का जो है इधर फिर ये अगर थोड़ी देर बाद बंद हो सके ताकि ऑडियंस को सही तरह आवाज आ जाए। मैं इसको बंद कर देता हूँ जी। ठीक है, ये आरओ से जब प्रेशर से निकल, आरओ का मतलब बताएं, आरओ का मतलब, आरओ का मतलब क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये एक मेम्ब्रेन है इसके अंदर। ठीक है, जिस जो पानी को प्रेशर से हम गुजारते हैं, ठीक है, वो मेम्ब्रेन जो है उसमें से सॉलिड्स जो डिजोल्व सॉलिड्स है उनको वो रोक लेती है और वो वेस्ट में ड्रेन हो जाते हैं। बिल्कुल, हमने साइंस की किताबों में पढ़ा था 7th-8th में, वो एक फिल्टर होता था, वो पानी के लिए हम ड्रॉप करते तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती थी वो उस फिल्टर में रह जाती थी, और वो ड्रॉप ड्रॉप जो गिर गिर के जमा होना शुरू हो जाता। तो बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ से जब वो निकलेगा जो डिजॉल्व सॉलिड्स वो मेम्ब्रेन रोक देगी, वो फिर ड्रेन में चले जाएंगे, वेस्ट में चले जाते हैं। और ये जो इसका तो ये वेस्ट के लिए अलग से पाइप जी, ये वेस्ट का पाइप जा रहा है जो कि ड्रेन में चला जाता है, ये नीचे से वेस्ट का। ठीक है, ये इसकी प्रोडक्ट निकलेगी। ठीक है, इसकी फिर कंडक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट रिमूव हो जाते हैं, 1 के करीब होती है, डिजॉल्व सॉलिड्स निकल जाते हैं। फिर जब वो यहाँ से आएगा तो फिर इसमें हम मिनरल्स ऐड करते हैं। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ये 0.04% का हम सोल्यूशन बना। अच्छा, ये ऐड करने की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, ये जो पानी आ रहा है उसके अंदर वो फिर उसके जब कंडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी और TDS उसके ऑलमोस्ट ना होने के बराबर आ गए तो फिर वो पानी कड़वा हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए फिर हम उसका टेस्ट के लिए फिर उसमें रिक्वायरमेंट है ना बॉडी की, ठीक है, अगर हम इसमें ये मिनरल्स नहीं डालेंगे तो आप पानी पी नहीं सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी क्योंकि हमारे ये बॉडी की नीड है, हमें अपने डेली बेसिस में ये चाहिए होता है एनर्जी कंजम्पशन के लिए, तो ये हमें मिनरल्स एड अप करने पड़ते हैं अपने रॉ वाटर के अंदर। ये फिर मिनरल्स की हम डोज कैलकुलेट करके तो इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, वहाँ से फिर ये आ जाता है उसमें
जो है इसमें यूवी लैंप लगा हुआ है, अल्ट्रा वायलेट जी, ताकि कोई अगर माइक्रोब्स है उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, यहाँ से फिर ये फिनिश प्रोडक्ट में आ जाएगा। ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट, ये फिनिश प्रोडक्ट आ जाएगी, मतलब पानी तैयार, पानी तैयार जबरदस्त। इसी से फिर नीचे से आप देखें इसका आउटलेट आ रहा है, जो कि इस फीड पंप के साथ वो हम फिर फिलिंग इधर करते हैं। बिल्कुल सही है। अब आप जरा हमारी ऑडियंस को ये जरा चला के दिखाएं, क्योंकि अब हम बोल चुके हैं, अब जरा वो देख लेंगे कि पानी किस तरह आके हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं वो किस तरह बन रहा है। देखिए ये रॉ वाटर आ रहा है, ठीक है। फीड पंप अभी मैं पहले फीड पंप चलाऊंगा जी, अब हम आपको इसको चला के दिखाते हैं। इसकी मेन सप्लाई हमने ऑन कर दी, ये इसका वो बता रहे हैं वोल्टेज कितनी आ रही है, ये एम्पेयर्स बता रहे हैं। अब हम प्लांट को सबसे पहले हम फीड पंप चलाएंगे इसका, जो उधर से फिल्टर्स के अंदर पानी लेके आएगा, फिर इसका आर ओ पम्प चलाएँगे, फिर ये इसके डोजिंग टैंक्स जो हैं, ये मिनरल और जो डीस्केलेंट इसमें हम ऐड करते हैं मेम्ब्रेन को वॉश रखने के लिए, ताकि जो डिजॉल्व सॉलिड्स रुके हैं वो ड्रेन आउट हो और मेम्ब्रेन जो है वो ब्लॉक ना करे, पोरस मेम्ब्रेन होती है ना। तो ये अब हमने प्लांट चला दिया था। अब ये इसके बाद यहाँ से जब वो आर ओ से निकल के तो दोबारा ये इसके अंदर आ जाएगा, ये उसका फ्लो आ रहा है कि प्रोडक्ट का क्या फ्लो, कितने लीटर पर बन रहे हैं। फिर ये अल्ट्रा वायलेट इधर लैंप में आएगा, ताकि इसमें अगर कोई माइक्रोबल ग्रोथ है उसको ख़त्म करने के लिए। ये हमारी फिनिश प्रोडक्ट आ गई, ये प्रोडक्ट आ गई, और इधर से फिर वो नीचे से फिर इसका वो डोजिंग पंप से फिलिंग में चला जाएगा, वो जो शुरू में आपको दिखाया था। ये इसका डोज है, फिलिंग पंप है जो डोज का, और ये फिर बॉटल्स काम इसकी। ये पहले देखें जी हम वॉश करेंगे बॉटल को, ये बॉटल की वॉशिंग होगी, वॉशिंग करने के बाद फिर हम इसको फिलिंग में ले आते हैं। ये अब इसकी फिलिंग कर रहे हैं, ये बॉटल की फिलिंग हो रही है। ये जी बॉटल फिल होगी, फिर इसको हम सील करते हैं। ये इसकी फिर सील करके फिर इसकी हम इसको ये बॉटल जो है वो सील। जो आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे तो पहले तो ये बताया ना, ये खर्चा कितना हुआ आपका? तकरीबन जो है ना 1 मिलियन दस लाख का। वो मैंने कर लिया, ठीक है। अब अगला स्टेप है उसको मार्केट करना, जबरदस्त। और कोशिश मेरी ये है कि पहले मैं इसी सोसाइटी के अंदर इसको मार्केट कर रहा हूँ, लोगों को घर में डिलीवर, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जॉब्स करते हैं, सारे फैमिलीज पीछे अकेले हैं, तो मैं डोर टू डोर जो उनकी हैं, जिनकी मुझे आती है कॉल मेरे कस्टमर्स की, मैं उनको डिलीवर कर देता हूँ। और इसी जो है ना सोसाइटी को ही मैं अभी कैप्चर कर रहा हूँ, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स माशाल्लाह मिला है। तो यूथ के लिए आपके क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आजकल यूथ बिल्कुल जॉब से डेस्परेट है हमारे मुल्क के अंदर, कि कोई जॉब्स नहीं है मार्केट में, डिग्रीज करके बच्चे बेचारे बस अपने आप को नाउमीद महसूस कर रहे हैं और निकल रहे हैं, कोई बाहर के मुल्क जा रहा है जो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो इधर डिप्रेशन में बिल्कुल बैठा है, तो क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए मैं उस चीज़ को मैं नहीं मानता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 20-30-40 हज़ार वाले बिज़नेस नहीं होते, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल्स भी आज तक आते रहते हैं, हम लोग भी बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से हम लोगों का ताल्लुक है, ये 20-30 हज़ार रुपये पर बिज़नेस नहीं होता, ठीक है। आप लोग अपने आप को प्रूव करें अगर आपके पास अपना कैपिटल नहीं है, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें, और अगर कैपिटल है तो स्टार्ट लें। आज स्टार्टअप लेने का दौर है, आपने पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है,
पाकिस्तान आपके बगैर ऊपर नहीं जा सकता, आप नाउम्मीद होकर मत बैठें। अगर इस उम्र में हसनैन शाह साहब बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, 60 साल की उम्र में बिज़नेस शुरू करना कोई मजाक की बात नहीं है। और मैं तो बड़ा मोटिवेट हुआ हूँ, हालांकि मैं खुद भी एक बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इनको देख के हमारी मोटिवेशन और ऊपर चली गई है। तो मेरा तो आना जाना लगा रहता, तो मैंने सोचा कि आज इनकी स्टोरी आपको बताई जाए, क्योंकि मैंने तो इनको स्ट्रगल करते हुए देखा है यहाँ पर। और हैट्स ऑफ टू यू सर कि इस उम्र में इस तरह स्ट्रगल करना। उसने वकार ये है कि कभी भी आप ये ना सोचें इट्स नेवर टू लेट, आप कोई भी काम आप शुरू कर सकते। Exactly. बाकी यह है कि आप अपनी एफर्ट डालें उसमें और अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। और हर काम में नियत है कि आपकी नियत कैसी है। अगर आपकी नियत अच्छी है, देखिए मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, एमएससी है, मैंने एमएससी की हुई है, तो उसमें यही है ना कि लोगों को मैं जस्टिफाई करता हूँ कि जी मेरी प्रोडक्ट आपको अच्छी, यानी कि जो मेरा क्लेम है वही आपको मिले। बिल्कुल ऐसी है होना भी जरिए चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी से ये जो आप सेटिस्फाई करते हैं लोगों को, यही आपको पर लेकर जाता है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही बिज़नेस का तरीका था, वो कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस करते थे। आजकल की तरह नहीं है कि आप अपना प्रॉफिट देखना और सब कुछ करना है, नहीं, कस्टमर ओरिएंटेड, क्वालिटी ओरिएंटेड और सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेड। अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे आप नहीं मार खाते, बिजनेस चलते हैं, बिजनेस क्यों नहीं चलते, बिजनेस नहीं चलते तो आपकी क्वालिटी कहीं ना कहीं आपकी आप उसको मीट नहीं कर पा रहे, आपकी टोटल क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो है। तो क्वालिटी मीट करें, कस्टमर को सेटिस्फाई करें, आपका बिज़नेस चलता है। और उससे भी पहले कि बिज़नेस की तरफ आएँ, जॉब्स में कुछ नहीं रखा हुआ, बिज़नेस की तरफ आएँ। आपका 90%, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 90% हिस्सा आपका कारोबार में, कारोबार की तरफ आएँ, आपका पाकिस्तान उठेगा और आप भी उठेंगे। सर एक यूथ के लिए मैसेज दे दें। जी बिल्कुल, यूथ को मैं यही कहूँगा कि डिसहार्ट नहीं होना, हालात हैं और आप तो भी यंग हैं, आप फाइट बैक, मेरे जैसा अगर 60 साल की उम्र में फाइट बैक कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते। और बिल्कुल आप आएँ, आप बिज़नेस में आएँ, करें और इंशाल्लाह आपको रोज़गार दूसरों को भी आपकी वजह से मिलेगा। बिल्कुल exactly, सर ये बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात की। और आप देखें आपके साथ दूसरों को भी एक चेन है ये, मतलब मैंने बिज़नेस शुरू किया, जो मेरे साथ हैं उनकी फैमिलीज को मेरा उनकी सपोर्ट हो रही है, वो आगे पूरा फिर एक सिस्टम चलता जाएगा। तो आ जाएँ, आप भी करें, बिस्मिल्लाह करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं करेंगे तो हम बिस्मिल्लाह करवा लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको उठना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई, उठेंगे तो ये मुल्क आगे जाए। एग्जैक्टली ले सर, बहुत शुक्रिया। तो हमारी कभी कभी जरूरत पड़े तो हम आगे। इंशाल्लाह।